नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ यूनिक और कुछ बहुत ही कॉमन प्लांट शेयर करने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस लिस्ट में पहला प्लांट है ये टिकोमा। रोड साइड वगैरह पर आपने ये प्लांट ज़रूर ही देखा होगा। ये हमेशा फूलों से लदा रहता है। इसमें जितनी पत्तियां नहीं आती हैं उससे ज़्यादा इस पर फूल लगते हैं। इस पौधे को आप कटिंग और सीड दोनों से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई और ऐसा कॉर्नर है जहां पर आप ज़मीन में इस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर ग्रो कर लीजिएगा। और मैंने तो कंटेनर में ग्रो किया है, तो आप कंटेनर में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इस लिस्ट का दूसरा प्लांट है ये विनका। बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये प्लांट है। दो कलर में आते हैं, एक वाइट और दूसरा ये पिंक। हाइब्रिड वाला भले ही ख़राब हो जाए लेकिन ये कॉमन प्लांट सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। विंटर हो या समर्स, दोनों सीजन में ब्लूमिंग करता है। बस विंटर में प्लांट्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। बात करें ग्रो करने की, तो आप इस पौधे को सीड और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इस पर बहुत सारे सीड बनते हैं। ये है सीड पॉट और एक ही सीड पॉट से हमें बहुत सारे सीड मिल जाते हैं। इसलिए इसका तीसरा प्लांट है ये चांदनी। इस पौधे को भी अगर आप ज़मीन में ग्रो करते हैं तो एक सुंदर से ट्री का शेप ले लेता है। अदरवाइज आपके गार्डन में अगर ज़मीन पर स्पेस नहीं है तो आप इसे छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। 12 इंच का कंटेनर इसके लिए परफेक्ट रहता है। इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, बारिश वगैरह स्टार्ट होने लगी हैं, तो आप चाहें तो इसकी कटिंग ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कटिंग ना मिले तो आप नर्सरी जाइएगा। 20 से 50 रुपीज़ की रेंज में ये मिल जाता है। पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लीजिएगा अगर आप इसे कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं। इस लिस्ट का अगला प्लांट है कृष्ण कमल, जिसे राखी बेल कहते हैं। साथ ही साथ इसे पैसन फ्रूट प्लांट या फिर पैसन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। फ्लावर्स तो इसके राखी जैसे होते हैं, इसीलिए इसे राखी बेल भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर इसका फोलियज भी होता है और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इस पर जो है वो फ्रूट बनते हैं जो कि काफ़ी महंगे बिकते हैं। और इस फ्रूट में सीड भी होते हैं जिससे आप इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। वैसे इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में बात करें प्राइस की, तो नर्सरी में इसका प्राइस जो है वो 50 से 100 रुपीज़ तक होता है। इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आर्च वगैरह लगाएंगे तो बढ़िया होगा। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में ये पौधा मिलता है, तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड करें। इस लिस्ट का अगला प्लांट है हिबिस्कस या फिर गुड़हल। इस पौधे को भी घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। ये देसी वैरायटी का हिबिस्कस है और आसानी से ग्रो होने वाला होता है। इसे आप कंटेनर में ग्रो करके बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि पूरे समर इस पर 2-3 फ्लावर्स तो खिलते रहते हैं। अगर आप केयर ज़्यादा करते हैं तो और भी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये काली मिर्च का पौधा। इस पौधे को वैसे तो मैंने वीडियो वगैरह में देखा था, लेकिन मैंने अपनी आँखों से पहली बार ही देखा है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका फोलियज होता है। और काली मिर्च जब लगेंगी इस पर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक पार्क में मैं घूम रहा था तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला था। इस पौधे को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और अगर ख़रीदना चाहे तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा वहीं पर मुझे ये डक प्लांट भी देखने को मिला, तो इसका भी फोलियज देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉर्निंग ग्लोरी जैसा है। फ्लावर्स की पिक मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। एक बार मैंने इसे अपनी एरिया की लोकल नर्सरी में पूछा था तो वहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 400 रुपीज़ बताया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इस पौधे को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है गुलमोहर का प्लांट। ये इसके फ्लावर्स तो छोटे होते हैं लेकिन फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलते हैं। इस पौधे को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी। तो अगर आपको
इसकी कटिंग इस टाइम देखने को मिले तो आप इसे ला सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के सीड भी ला सकते हैं। इसलिए इसमें अगला प्लांट है चंपा। ये नाग चंपा का प्लांट है। इसका फोलियज या फिर कहें इसके पत्ते दिखने में नाग की फन की शेप में होते हैं, इसीलिए इसे नाग चंपा कहते हैं। साथ ही साथ ये है स्पाइडर फ्लावरिंग प्लांट। तो देख सकते हैं इसके फ्लावर्स दिखने में स्पाइडर जैसे होते हैं, इसलिए इसे स्पाइडर लिली प्लांट कहते हैं। बल्ब से ग्रो होने वाला ये पौधा होता है। एक बल्ब ग्रो करेंगे तो साल भर में डिवाइड होकर काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये है मालाबार स्पिनच या फिर पोए का प्लांट। सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसकी सब्जी और पकौड़े बनाकर आप इसे खा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस नर्सरी में 20 से 50 रुपीज़ की रेंज में मिलता है। फोलियज भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसके जो है वो पत्तों की सब्जी बनाकर खाई जाती है, जो कि खाने में थोड़ी बहुत पालक जैसी होती है। और अगर आप पालक नहीं सेवन कर सकते तो आप इसका सेवन करिएगा। इसका टेस्ट पालक से थोड़ा सा अच्छा होता है। इसे आप पालक के पकौड़े जैसे बनते हैं, इसके पकौड़े भी बनाकर खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में अगला प्लांट है अपराजिता। इस पौधे की फ्लावर्स की चाय बनाकर पी जाती है। आपने कभी चाय इसकी पी है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। इसे भी घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। कटिंग से और सीड दोनों से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा चांदनी देख सकते हैं, ये वेरिगेटेड चांदनी है। जब इस पर ब्लूमिंग नहीं होती है तो इसका फोलियज भी अच्छा लगता है। इसके अलावा देख सकते हैं ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, जिस पर मिली बग्स का काफ़ी सारा अटैक मुझे देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी केयर करने में मैंने लापरवाही कर दिया था तो पूरे पौधे पर ये फैल चुका है। तो लोकल नर्सरी से बताकर मैं ये जो है वो स्प्रे लेकर आया हूँ और 100 रुपीज़ में मुझे ये देखने को मिला है, ख़रीदने को मिला है। आप चाहें तो आप भी ला सकते हैं। वैसे रिज़ल्ट तो मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि ये अच्छा है या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाना ही था, क्योंकि नीम ऑयल का स्प्रे मैंने काफ़ी बार किया, वो फ़ायदेमंद नहीं रहा। नीम ऑयल का स्प्रे मुझे लगता है कि तब तक ही फ़ायदेमंद रहता है जब तक कि इस पर कीड़े नहीं होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने पौधे पर नीम ऑयल स्प्रे करते रहते हैं तो इन पर कीड़ों का अटैक नहीं होता है, लेकिन जब एक बार हो जाता है तो आपको केमिकल की ओर ही जाना पड़ता है। और एक बार अगर आपके पौधे पर मिलीबग का अटैक हो गया तो इतनी आसानी से जाता नहीं है, और अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपके पौधे को पूरा ख़राब कर देता है। तो इसकी केयर करना ज़रूरी होता है।